मेरी माँ झाड़ू लगाती है, बचपन से मैं उसको देखता हूँ घर में झाड़ू लगाते हुए। तो एक बार मैंने मेरी माँ को पूछा, ये जो झाड़ू है उसके आगे का हिस्सा ऐसे खुला हुआ है, पीछे का बंद है, क्यों? आगे पीछे एक जैसा क्यों नहीं? तो मेरी माँ ने समझाया, देख ये आगे का हिस्सा खुला हुआ है इसलिए कि झाड़ू लगाऊं तो चींटी ना मर जाए उसके नीचे, खोल के रखा उसको तो स्पेस है ना चींटी को निकल के जाने के लिए, एक सीख से दूसरे सीख के बीच में स्पेस है तो वो निकल के चली जाए। ये है टेक्नोलॉजी, हमने झाड़ू भी बनाई है तो ये ध्यान रखा है कि उसके नीचे चींटी ना मर जाए। और भारत में एक तो सीख झाड़ू होती है और एक तो दूसरी झाड़ू होती है जो बहुत ही सॉफ्ट होती है, क्या कहते हैं उसको, फूल झाड़ू कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको भी बनाते समय ध्यान रखा है कि अगर उसमें स्पेस नहीं हो तो झाड़ते समय चींटी जिंदा जाए। ये है हमारी टेक्नोलॉजी। अब यूरोप वालों ने क्या किया, उन्होंने बनाया है एक मशीन, हाँ, जो खींच लेता है सबको अपने अंदर, देखा डस्ट खींचता है, कहते तो उसको डस्ट क्लीनर है लेकिन वो डस्ट क्लीनर नहीं है, डस्ट सकर है, डस्ट को खींचता है और डस्ट के साथ चींटी को भी खींच लेता है, चींटे को भी खींच लेता है, कॉकरोच को भी, और सबको खलास करता है। ये है टेक्नोलॉजी। अब हम इसी में फंसे रहे हैं, हम तो पिछड़े हैं, झाड़ू बनाया है वो तो बहुत आगे हैं, फॉरवर्ड हैं, क्योंकि उन्होंने डस्ट सकर बनाया है। ये हमारी मूर्खता है। कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं होता दुनिया, हर देश अपनी सभ्यता और अपनी मान्यता के हिसाब से आगे बढ़ता है। हमारी सभ्यता है पुनर्जन्म वाली, इसलिए हम जो भी करेंगे उसको ध्यान में रखकर करेंगे। हर जगह आप यही देखेंगे, हिंदुस्तान में जो भी स्वदेशी टेक्नोलॉजी बनेगी आगे बढ़ेगी उसमें हर जगह आप यही पाएंगे। अगर वो टेक्नोलॉजी किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाई है जो खरा हिंदुस्तानी है, अमेरिका रिटर्न है, तो कबाड़ा करेगा इस देश में, हाँ, क्योंकि वहां जो देख के आया है ना कचरा वो सब यहां चालू कर देगा, कहेगा क्या फालतू काम करते हो, झाड़ू लगाते हो, डस्ट सकर लेके आओ, उसको थोड़ी देर बिजली लगाओ, पों पों करो, खींच लो सब, अब उसमें कितनी चींटी मरे, कितने मक्खी, कितने मक्खर, उसकी कोई चिंता नहीं क्योंकि उसको पुनर्जन्म में मतलब नहीं है, जो है वो इसी जन्म में है। फिर हम क्या करें, उसकी नकल कर करके हमारे घर में लेके आए, फिर अपने को कहें हाँ हम बहुत स्मार्ट हैं, हम तो बहुत फॉरवर्ड हैं, हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। बिना अपनी सभ्यता को समझे हुए, बिना अपनी संस्कृति को जाने हुए दूसरों पर टिप्पणी करना और अपनों को उससे नीचे मान लेना, यही मूर्खता है। हम तो इसी में फंसे हैं।